क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? क्या इतना सा संकल्प नहीं कर सकते? जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आज सरसरिया घाट पे हैं, कार्तिक पूर्णिमा की यहाँ पे बहुत धूम है, श्रद्धालु हजारों की संख्या में यहाँ पे नहाने आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो यहाँ पे फैली गंदगी को देख के उठता है कि गंगा के गुनहगार आखिर कौन है, क्योंकि ये घाट सुबह ही साफ किए गए थे प्रशासन की ओर से और कुछ ही घंटों में इनकी क्या दुर्दशा हो गई है, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे गंगा नहाने स्नान करने वाले, गंगा का पुण्य उठाने वाले श्रद्धालु ही गंगा के गुनहगार बन के सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि गंगा की सुधारने, गंगा को साफ करने, निर्मल बनाने के लिए प्रशासनिक और सरकारी तौर पर प्रयासों की जरूरत नहीं है, बल्कि जनता को खुद इन प्रयासों के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। आई नेक्स्ट लाइव के लिए कैमरामैन शुक्ला के साथ मैं अंकुश शुक्ला।